इसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जजपा का जींद उपचुनाव में आपसे गठबंधन नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपचुनाव में उनकी मदद करने के लिए जींद आए थे, जिससे प्रदेश की जनता ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि जजपा व आपका गठबंधन होगा, लेकिन अभी भी दोनों पार्टियों की बात सकारात्मक है। वहीं आपके अलावा जजपा प्रदेश में समान विचारधारा व गैर भाजपा व गैर कांग्रेस दलों से बातचीत कर सकती है। नीतिक में कब क्या हो जाए, क्रिकेट के आखिरी बॉल पर सिक्सर लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। दिग्विजय चौटाला रविवार को गांव सिवाय स्थित एक रिजोर्ट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला विधानसभा का चुनाव लड़े और वो चाहे तो दोनों ही चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने यहां पर इनसो की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और इनसो कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जजपा लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और संभवत चुनाव घोषित होते ही प्रदेश में सबसे पहले उम्मीदवार 5 बजे इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की। आने वाले चुनाव में क्या ड्यूटीज रहेंगी, कैसे हमने वॉलंटियरिंग कर करके पार्टी के लोकसभा के 10 के 10 प्रत्याशियों को जिताना है, पूरी स्टेट में उस हिसाब से हमने काम करना है, वो सारी डायरेक्शन भी आज हम सब लोगों ने देनी है। इनसो के साथ मिलकर के जैसे हमने जींद में काम किया उसी हिसाब से पूरे प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का डंका बजे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोच का राज हरियाणा प्रदेश में बढ़े, ऐसा प्रदेश जहां बुजुर्गों को सम्मान हो, महिला को सुरक्षा हो, नौजवान को रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। पार्टी के साथ नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के निजी तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी हम सब प्रशंसक रहे और उनकी सहायता हमने जींद के बाई इलेक्शन में मांगी थी और वो सहायता करने वहां पधारे भी थे, उन्हें वहां आकर के रैली को संबोधित भी किया था। उसके बाद मीडिया में ये स्पेकुलेशन काफी तेज थी, इस पर चर्चा खूब हो रही थी कि आए इसका जेजेपी का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है और लोगों की जनभावना, क्योंकि राजनीति जनभावना पर चलती है, जनभावना को मानते हुए जानते हुए दोनों ही दलों के राजनेताओं ने, जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है, उसने चर्चा भी शुरू करी और वो चर्चा आज भी जारी है। मैं इस बात का अधिकार नहीं रखता कि मैं उस पर कमेंट करूं। पानीपत से मदनलाल की रिपोर्ट।